हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सारे बच्चे? दिन में दूसरी बार मिल रहे हैं यार, बहुत ही ऑसम फीलिंग है जब हम लोग दिन में दो बार मिलते हैं। पता है, मैं सुबह से वेट करती हूँ यार, दो कब बचेंगे, मैं अपने स्टूडेंट से कनेक्ट हो जाऊंगी, अपने स्टूडेंट से मिलूंगी। और आज तो दिन में दूसरी बार यानी इवनिंग में भी, लेकिन पढ़ाई वढ़ाई करने के लिए नहीं मिल रहे हैं अभी। अभी हम मिल रहे हैं एकदम फन करने के लिए, मस्ती करने के लिए। इफ़ यू कैन हियर मी एंड यू कैन सी मी प्रॉपरली, फटाफट से कमेंट बॉक्स में थम्स अप कर दो, जल्दी से हैप्पीनेस बिखेर दो, हार्ट्स बिखेर दो, स्माइलीज बिखेर दो, है ना, जल्दी से, इफ यू कैन सी मी एंड यू कैन हियर मी प्रॉपरली, बिकॉज टुडे आई हैव कम अप विद द मोस्ट ऑसम एंड अमेजिंग सेशन, फन सेशन। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है। क्रॉसवर्ड पजल के लिए, मतलब सॉल्व करने के लिए हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं। और आज कोई मेंटी वेंटी नहीं है, आज तो मैं आपकी होस्ट हूँ, है ना। क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व करने के लिए माई सेल्फ डॉक्टर मोनिका वेदी विल बी द होस्ट फॉर टुडे। देखते हैं कौन कौन बच्चे हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हाय रेशमा, थैंक यू बेटा, रेशमा के लिए हेलो। मास्टर ब्लास्टर मैम, थैंक यू सो मच बिटू। हेलो ममता, हाय गगन, हाय आनंद सिंह राजपूत। तो एवरीबडी इज एक्साइटेड और नॉट फॉर दिस अमेजिंग सेशन, टेल मी क्विकली, एवरीबडी इज एक्साइटेड और नॉट फॉर दिस अमेजिंग सेशन। हेलो दृष्टि, हाय केशवी, आप लोगों ने शेयर किया है ना इस सेशन को सबसे, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है इस सेशन में। मैंने खुद फ्रेम की है आप लोगों के लिए पजल, ठीक है। हेलो हेलो, हाउ इज द जोश, यस। हेलो आदित्य, हाय महक, हाय अंजलि, हाय मीरा श्रीवास्तव, हेलो जीतेश, हाय माही, अरे वाह बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं, हाय तनीषा अवस्थी। चलिए चलिए, और तेज दौड़ाइए आज चैट को, क्योंकि आज आपका और हमारा कम्युनिकेशन होने वाला है बहुत ही जबरदस्त। आप एक क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व करने में मदद करने वाले हैं मेरी, तो लेट्स क्रैक इट। चलिए, यस, लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव कम लाइव ऑलरेडी। देखते हैं कैसा मजा आता है, नहीं आता है, लेट मी सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एंड मैं सुबह से इस पजल के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हाँ जी, चलिए, अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं और आप मुझे नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है डॉक्टर मोनिका वेदी, मैंने पीएचडी की है केमिस्ट्री में, 14 इयर्स का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है जो आपके बहुत काम आने वाला है बोर्ड्स को क्रैक करने के लिए, है ना। और मैं डेली 2 बजे लाइव आती हूँ, केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ यहाँ पे अनअकैडमी पे, तो आप ज़रूर से ज़रूर 2 to 3 के सेशंस में हमें ज्वाइन कीजिए। एंड येस, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर लेक्चरशिप जो कि इंडिया लेवल का एग्जाम है, उसमें टॉप 30 रैंक्स में मेरी रैंक आ चुकी है। आई बिलोंग फ्रॉम राजस्थान, जहाँ पे स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है लेक्चरशिप के लिए, जिसमें मेरी रैंक अमंग टॉप 10 आ चुकी है। तो दिस वॉज समथिंग अबाउट माई सेल्फ एंड आई विल टेल यू वन मोर थिंग, मैं उन रॉक स्टार्स की टीचर हूँ जो कि 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन को जबरदस्त, यानी कि दे आर गोइंग टू रॉक इट, दे आर गोइंग टू क्रैक इट, ठीक है। अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन की, जब तक और लोग आ रहे हैं, हम थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जान लेना, 17th अगस्त से हम लोग न्यू फ्रेश कोर्सेज लॉन्च करने वाले हैं, है ना। और आप ज़रूर से ज़रूर प्लस प्लेटफॉर्म ज्वाइन कीजिए, जिसके बारे में मैं आपको एंड में प्रॉपर डिटेल्स बताऊँगी। आई नो दैट यू नीड इट, इट्स द थिंग आप कब रियलाइज करते हैं, मुझे अच्छे से पता है कि आपको प्लस के सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत है, ठीक है, लेकिन इट मैटर्स कि आपको ये रियलाइजेशन कब होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ, एक साल का जो चार्जेस है दैट इज़ 15,000, जो कि MB लाइव रेफरल कोड लगाने पर आपका 1 ईयर का चार्जेस, जो कि ऑलरेडी बहुत कम है। अनअकैडमी क्या चाहता है, अनअकैडमी क्वालिटी कंटेंट को हर किसी तक पहुंचाना चाहता है, इसलिए इतने अफोर्डेबल प्राइजेस में आपको ये ऑफर किया गया है, ठीक है। तो 13,500 में स्लैश डाउन हो जाएगा 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन, इसकी फर्दर डिटेल्स मैं आपको एंड ऑफ द सेशन में दूंगी। अब मैं बताती हूँ कि यहाँ हम करने क्या वाले हैं। बेटा एक बेसिकली स्क्रैबल करके गेम किस किस ने प्ले किया है, चलिए बताइए चैट बॉक्स में, जल्दी से सारे बच्चे बताइए कि इस तरह के अल्फाबेट्स को प्लेस करना होता है गेम में, इस तरह का एक गेम होता है, यस। अभय, मनोज, सुकन्या है, मनोज आ गया है, मैंने मनोज को स्पेशली बोला था जरूर आना और मनोज आ गए हैं, गुड गुड गुड। धर्मेंद्र, ओके, सोनी, जेडन, साक्षी, चेतन, एल्बर्ट आइंस्टीन आए हैं हमारे पास, रेशमा, आर्य, सीताराम, सुकन्या, ऑल माय स्टूडेंट्स आर हियर एंड आई नो यू आर गोइंग टू क्रैक इट। चलिए, तो इस तरह का जो गेम है ना, ये हम आज खेलने वाले हैं, मतलब ये एक गेमिंग सेशन है, मोर ऑफ फन सेशन है, ठीक है, विद लर्निंग। तो मैं आपकी आज की होस्ट
जो कि हम एक क्या करने वाले हैं, एक क्रॉसवर्ड को बेसिकली हम लोग क्रैक करने वाले हैं, हम लोग इसको अनफोल्ड करने वाले हैं, हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। एक सैम्पल दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे साथ ऐसे होते हैं जो विलेजेस के होते हैं, विलेजेस के जो बच्चे होते हैं अगर उनको नहीं मालूम है, या बात विलेजेस की भी नहीं है, बेसिकली अगर किसी को ये चीज़ नहीं आती है या उसने कभी सॉल्व नहीं की है, तो एक छोटा सा सैम्पल पेश कर रही हूँ। ये मेन क्विज नहीं है, मेन क्रॉसवर्ड नहीं है, मेन क्रॉसवर्ड अभी आने वाला है, इट हैज़ नॉट कम येट, ठीक है। तो देखिए इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है डाउन, एक अक्रॉस, ठीक है। ये क्रॉसवर्ड आपके सामने है, आपको डाउन मतलब नीचे उतरता हुआ, अक्रॉस मतलब इस तरीके से जाता हुआ आपको फिल करना है ऑन द बेसिस ऑफ हिंट्स गिवन। जैसे कि सबसे पहला है अ नंबर बिटवीन 6 एंड 8, बहुत सिंपल सा पजल है, अ नंबर बिटवीन 6 एंड 8, कौन सा नंबर होता है, 7 होता है। तो फर्स्ट यहाँ पे नंबर दिखाई दे रहा है आपको, फर्स्ट ये 1, यहाँ से आपको डाउनवर्ड्स भरना है 7, SEVEN, कुछ इस तरीके से, और फिर अक्रॉस में ऑपोजिट ऑफ बिग क्या होता है आपको इस तरीके से भरना है हॉरिजॉन्टली। ऑपोजिट ऑफ बिग क्या होता है, स्मॉल, SMALL, दिस इज जस्ट अ स्मॉल सैम्पल ताकि आप लोगों को मजा आए। आगे वाली जो क्रॉसवर्ड है वो तो मैंने खुद डिजाइन की है, ठीक है। और इसी तरीके से आप जैसे सेकंड नंबर पे क्या, इन बिटवीन यस्टरडे एंड टुमारो, यस्टरडे एंड टुमारो के बीच में क्या आता है, टुडे आता है डाउन, तो TODAY, ठीक है, TODAY, दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू डू इन द क्रॉसवर्ड टूडे, ठीक है। और आप मुझे हेल्प करने वाले हो, मैं आपकी बेसिकली होस्ट हूँ, आप अपना टीम वर्क मुझे शो करने वाले हो, ठीक है। अब बताइए, कर दे स्टार्ट, आर यू एक्साइटेड, इज एवरीबडी एक्साइटेड फॉर क्रैकिंग टूडेज क्रॉसवर्ड जो आपकी अपनी मैम ने खुद डिजाइन की है ना, खुद फ्रेम करी है। Are you all excited for the session? पहले अपना जोश दिखाइए, फिर मैं session start करूंगी। Show me how excited you are. जल्दी से happiness से बिखेर दीजिए chat box को, है ना? Yes, Arya is excited. Neha, Gunjan, Hanshika, Simran, Ashish, Anjali, Tanu, Anand Singh Rajput. Okay, so many of you are saying ki yes, ma'am, we are excited. हाँ जी, और आपकी मैम ने खुद ये पजल बनाई है, तो आप देखते हैं कि आप इसको कितना सॉल्व कर पाते हैं, लाइक द सेशन ऑल्सो। चलिए लेट्स मूव, आ गए हम अपने मेन पेज पे जहाँ आपको हिंट्स मिल रही हैं। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट वाला हिंट पिक कर रही हूँ, डाउन, डाउन मतलब नीचे उतरता हुआ यानी वर्टिकल, द सेकेंड यंगेस्ट इनर्ट। बताइए चैट बॉक्स में क्या क्या आपको क्या लग रहा है, द सेकेंड यंगेस्ट इनर्ट। चलिए, जो आप बोलेंगे वो मैं भरूंगी, आप गलत बोलेंगे तो मैं गलत भर दूंगी, ठीक है। तो इसलिए सही सही बताइएगा, देखते हैं आप लोग क्या बता रहे हैं। हाँ जी स्वाति, बताइए बताइए, फर्स्ट पे डाउनवर्ड्स क्या लग रहा है, एक हिंट गिवन है या कुछ अल्फाबेट्स के हिंट आपको ऑलरेडी गिवन है, यू कैन सी, देखिए ये मैंने एरो लगाया है, ये हिंट गिवन है, इट एंड्स विद एन, सो डाउन द सेकंड यंगेस्ट इनर्ट। वाओ, माही ने आंसर कर दिया है, ओके, बहुत सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं, भाग गई चैट बहुत जबरदस्त तरीके से, यस। तो चलिए देखते हैं, ये नियोन जो आप आंसर कर रहे हैं, रेशमा, विनीत, सभी बच्चे कह रहे हैं नियोन, तो लेट मी चेक नियोन यहाँ फिट आता है कि नहीं आता। सेकंड यंगेस्ट इनर्ट, NEON, ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड डिस्कवरर अंडर ट्री, डिस्कवरर अंडर ट्री अक्रॉस है, अक्रॉस, डिस्कवरर अंडर ट्री कौन हो सकते हैं यार, डिस्कवरर अंडर ट्री कौन हो सकते हैं, बताइए बताइए, क्रॉस है, 1 2 3 4 5 6, 6 अल्फाबेट्स का वर्ड है, बताइए। ओहो, साक्षी शिरोले ने नाम लिया है, देखते हैं और भी बताएं, ओके ओके ओके, तुम तो आगे बढ़ गए यार, सेकंड वाले को सॉल्व करो, यस, जमल ने नाम लिया है, ऑल राइट, ओहो तुम तो बड़े तेज बच्चे हो यार, क्या बात है क्या बात है क्या बात है। चलो फिल करके देखते हैं कि क्या ये फिट आता है या नहीं आता है, NE, न्यूटन, ओके, हाँ लग तो रहा है कि फिट आ रहा है, ये लग तो रहा है कि फिट आ रहा है ना, इट्स इट शोज कि हाँ कुछ सही तो जा रहा है, देखते हैं क्या मामला है यार। अब बताइए, आगे चलिए हम थर्ड नंबर पे, रैंडमनेस, डाउन, रैंडमनेस थर्ड नंबर पे, थ्री नंबर, ये रहा थ्री नंबर, नीचे उतरना है, रैंडमनेस क्या चीज है, रैंडमनेस क्या होता है, अरे नाइन्थ पे मत जाइए, थर्ड पे आइए, बारी बारी से चलते हैं ना, रैंडमनेस क्या चीज है, थ्री पे नीचे उतर रहा है, अनफोल्ड करना है हमको, अनलॉक करना है इस पजल को, रैंडमनेस क्या होता है, ये मेरा
ओहो, बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं, धर्मेंद्र, बीपी शर्मा, यस, रैंडमनेस होता है एंट्रोपी, ENTROPY, वी आर गेटिंग मोर एंड मोर हिंट्स नाउ, अब हमको काफी हिंट्स मिल रहे हैं। अब फोर्थ नंबर पे वाइटल पंप, यार वाइटल पंप अक्रॉस फोर्थ नंबर पे, देखिए वाइटल पंप क्या हो सकता है, वाइटल पंप, हम फोर्थ पे आ गए हैं। व्हाट इज दिस वाइटल पंप, जो कि एंड हो रहा है टी से, एंड इट इज अ फाइव लेटर वर्ड, फाइव अल्फाबेट्स आर देयर, वाइटल पंप फोर्थ, यार ये क्या हो सकता है, सोचो 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 सोचो, कौन जवाब दे रहा है यार, यस जल्दी बताइए जल्दी बताइए, कौन जवाब दे रहा है फोर्थ नंबर पे। ओके, माही ने आंसर किया, जितेश खुराना ने आंसर किया है, यस मनोज कुमार ने आंसर, चलिए देखते हैं फिट होता है कि नहीं होता, हार्ट बोल रहे हैं बच्चे, HEARTT, लग तो रहा है कि ये फिट हो रहा है। नेक्स्ट पेज पे आपको इसके आंसर्स भी मिलेंगे, हम चेक करेंगे हम सही है कि नहीं है। हम फोर्थ तक सॉल्व कर चुके हैं, फिफ्थ है अ ड्रॉप्ड पार्टिकल, इज देयर एनी हिंट, अ ड्रॉप पार्टिकल, डू यू वांट टू सॉल्व फिफ्थ या फिर कुछ और सॉल्व करेंगे, एट्थ वाला सॉल्व करेंगे, फिफ्थ, यस बताइए बताइए। ओहो, ये तो वही है जिससे आप मेरे चैट बॉक्स को भर देते हैं ना, हार्ट क्या चीज है जिससे आप हमारे चैट बॉक्स को भर देते हैं, यस समर्थ ने तो बहुत अच्छा हार्ट से भेज दी है, गुड गुड। तो बताइए अब फिफ्थ नंबर पे ड्रॉप पार्टिकल क्या हो सकता है, आशीष ने भी बोला था, गुड गुड, ड्रॉप्ड पार्टिकल, अ ड्रॉप्ड पार्टिकल जो कि फिफ्थ नंबर पे है वो क्या हो सकता है, व्हाट इट कैन बी, यार दिमाग लगाते हैं फिफ्थ नंबर पे क्या हो सकता है, व्हाट इट कैन बी, अ ड्रॉप्ड पार्टिकल, लग रहा है कि लोग अटक गए हैं, बच्चे सोच रहे हैं क्या हो सकता है, अच्छा एट्थ वाला बताओगे, चलो। ओहो, वैभव ने कुछ हमको बताया है, वैभव राणा को कुछ तो लग रहा है कि ये क्या है, अरे चलिए नित्य, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, हर्ष भी कुछ कह रहे हैं, कौशिका वाष्णे भी कह रही हैं, तो बच्चों ने बेसिकली ड्रॉप्ड पार्टिकल फिफ्थ वाले को भर रहे हैं, फ्री फॉल, तो चलिए फिट करके देखते हैं होता है कि नहीं होता, फ्री FREE, यही स्पेलिंग होती है ना, FALL, देखते हैं आगे, अगर कुछ गड़बड़ भर दिया तो आगे पजल और उलझ जाएगी। अब फिफ्थ हो गया है तो सिक्स पे आते हैं, हाईएस्ट विजिबल वेव, ये कौन है यार, हिंट मिल चुका है, हाईएस्ट विजिबल वेव विच स्टार्ट्स विद द अल्फाबेट आर, हाईएस्ट विजिबल वेव विच स्टार्ट्स विद द अल्फाबेट आर, क्या हो सकता है ये, व्हाट इट कैन बी, हाँ हम लोग हैं हाईएस्ट विजिबल वेव यानी सिक्स नंबर को, यस कौशिका वाष्णे आंसर कर रही है और सारे ही बच्चे आंसर कर रहे हैं, इट कैन बी रेड, स्टार्टिंग विद रेड, यस बेटा रेड जो होती है इसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है विजिबल में, तो RED, ऑल राइट इट इज रेड एट द सिक्स पोजिशन। सेवेंथ पे आते हैं, सेवेंथ है हाइड्रोजन्स एल्डर ब्रदर, यार ये हाइड्रोजन्स एल्डर ब्रदर कौन है, हाइड्रोजन के एल्डर ब्रदर, तुम तो बहुत स्मार्ट बच्चे हो यार, वेरी स्मार्ट यू आर, तो हाइड्रोजन के एल्डर ब्रदर कौन हो सकते हैं स्टार्टिंग विद डी, व्हाट इट कैन बी, हाइड्रोजन के एल्डर ब्रदर स्टार्टिंग विद डी, व्हाट इट कैन बी, सेवेंथ पे ड्यूटेरियम, ओके तो मुझे बताइए ड्यूटेरियम की क्या स्पेलिंग होती है, ड्यूटेरियम DEUTERIUM, यार लग तो रहा है कि फिट हो रहा है ड्यूटेरियम, सेवेंथ पे हम आ चुके हैं, एट्थ वीक डेज प्लस 1 × 10⁻⁶ - 1, ये क्या चीज है यार, ये तो कुछ समझ में नहीं आई, एट्थ वाली क्या चीज हो सकती है बताइए, एट्थ, अब आपको दो अल्फाबेट्स के हिंट मिल चुकी है, मतलब एट्थ पोजीशन पे आपको टू अल्फाबेट्स के हिंट मिल चुकी है, व्हाट इट कैन बी, पोजीशन नंबर एट पे, टेल मी, एट्थ पोजीशन पे, यस मनोज वगैरह सब सही है, सारांश ने मुझे कुछ तो आंसर किया है, ओके रेशमा ने भी आंसर किया है, तो वीक डेज होते हैं 5, ठीक है भाई, सैटरडे संडे तो वीकेंड होता है ना, तो 5, तो वीक डेज 5 + 1 यानी 6, 6 × 10⁻⁶, 6 × 4 - 1, 6 × 4 = 24, 24 - 1 = 23, तो 6 × 10⁻²23, ये तो यार एवोगैड्रो नंबर्स है, इसको हम क्या बोलते हैं, 1 मोल, तो 8th पोजीशन पे लग रहा है मोल, यस MOLE, मोल, बहुत सारे बच्चे, मनोज, ओके सोनी, सुरेश, दक्षिता, संध्या, रेशमा,
धीरज, अंजलि, तनु, विद्या, वाओ, यू आर वेरी वेरी स्मार्ट किड्स, है ना। तो ये हो गया आपका मोल। एट्थ के बाद आते हैं नाइन्थ पे। नाइन्थ पोजीशन पे फास्टेस्ट वेव कौन सी है? और यार ये क्या चीज है, नाइन्थ पे फास्टेस्ट वेव जिसका जो कि 5 अल्फाबेट का है एंड जिसका मिडिल अल्फाबेट जी है। व्हाट इट कैन बी। ओके यार जबरदस्त हो तुम लोग यार, 5 का। ओके तो नाइन्थ पोजीशन पे सारे बच्चे क्या बोल रहे हैं? लाइट। तो सबसे पहले आंसर किया है कैफी इकबाल ने, LIGHT। गुड वन, बहुत अमेजिंग था लाइट। ओके, टेंथ पे केमेनोफोर यानी टेंथ। दिस, ये क्या हो सकता है यार, केमेनोफोर क्या हो सकता है? 6 अल्फाबेट्स है, 4th अल्फाबेट पी है, लास्ट अल्फाबेट पर्पल। ओ माय गॉड, वैभव, वैभव ने आंसर किया है, नेहा ने सबसे पहले आंसर किया है, इट्स पर्पल, पर्पल। ऑल राइट, तो यार ये तो यहाँ के तो पूरे सॉल्व हो गए हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज। लेट मी चेक कि आप लोगों ने अब तक के जवाब जो दिए वो सही दिए कि नहीं दिए। एंड द नेक्स्ट स्लाइड इज दिस। यस, आपने आंसर सही दिए हैं, आपने नियो न्यूटन, दीज आर द करेक्ट आंसर्स। अगले उस पे चलते हैं, नेक्स्ट पड़ाव पे चलते हैं। 11th, एनर्जी फ्लो विदाउट मैटर। 11th है एनर्जी फ्लो विदाउट मैटर। क्या हो सकता है एनर्जी फ्लो विदाउट मैटर? व्हाट इट कैन बी? यस, एनर्जी फ्लो विदाउट मैटर। 11th पोजीशन में एरो लगा रही हूँ, यहाँ पे देखिए एनर्जी फ्लो विदाउट मैटर क्या हो सकता है यार? साक्षी शिरोले कह रही हैं वेव्स हो सकता है। ओके, आशीष क्या कह रहे हैं बताओ, आप आंसर दो, मैं आपका नाम जरूर लूंगी। तो साक्षी शिरोले कह रही है वेव्स हो सकता है। उसके अलावा सारे बच्चे जैसे हेमंत, हर्ष खुराना, सौरभ केशरी और सुरेश कह रहे होप। 11th पे एनर्जी फ्लो विदाउट मैटर जो कि साक्षी ने बोला है वेव्स, WAVES। यार लग तो रहा है, फिट तो हो रहा है, लेट अस सी। 11th के बाद आते हैं 12th पे वैनिशिंग सब्सटेंस क्या हो सकता है स्टार्टिंग विद द लेटर वी, द अल्फाबेट वी। वैनिशिंग सब्सटेंस क्या हो सकता है स्टार्टिंग विद द अल्फाबेट वी, बताएं व्हाट इट कुड बी? अ वैनिशिंग सब्सटेंस विच स्टार्ट्स विद वी एंड एंड्स विद ई, क्या हो सकता है? गैसेस। लेकिन यार गैसेस तो 5 अल्फाबेट का है, यहाँ पे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये तो 8 अल्फाबेट्स का है। कुछ क्लोजेस्ट सोचो ना, अगर मीनिंग बिल्कुल भी वो नहीं जा रहा है तो क्लोजेस्ट इमेजिन करो। यहाँ अटक गए मेरे बच्चे, देखते हैं कौन सही जवाब देता है। कोई दोस्त अटक गए हैं। आनंद सिंह राजपूत ने कुछ तो आंसर किया है, रिफ्रेश किए जाए। आनंद सिंह राजपूत ने आंसर किया है, और बच्चों को भी इमेजिन करने दो, गेस वर्क चलेगा इधर। ओके, ओहो काफ़ी बच्चे बोलने लगे हैं अब तो। ऑल राइट, वोलेटाइल, स्मार्ट किड्स यार, वोलेटाइल, TILE। ओके, 12th तक हम लोग बेसिकली इसको अनफोल्ड कर चुके हैं, अनलॉक कर चुके हैं। 13th पे आ जाइए, हैज़ डायरेक्शन मैग्नीट्यूड। ये तो यार सुपर इजी है, हैज़ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ये क्या हो सकता हैज़ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड? ये है आपका 13th नंबर पे, हैज़ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ये तो कुछ तो क्या टर्म है पता नहीं यार। ओके, तो ये आंसर कर रहे हैं सारांश। सारांश ने आंसर किया है समथिंग विच हैज़ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, समथिंग विच हैज़ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ओके, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है? वेक्टर। गुड, देखते हैं फिट होता है कि नहीं होता। 13th नंबर पे बच्चे कह रहे हैं कि समथिंग विच हैज़ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, बहुत ही कुछ फिजिक्स की टर्म है, मैथ्स की टर्म है। वेक्टर, वेक्टर की क्या स्पेलिंग होती है? VECTOR। ओके, देन उसके बाद मुझे 14th पे बताइए मेटल इन ब्लड क्या है। मेटल इन ब्लड, टेल मी, आयरन। 14th वाला आयरन भी गेस कर लिया है, येस इट इज 4 लेटर्स, तो 14th वाला है आई रन, IRON, आयरन। 14th है आयरन। ओके, 14th के बाद 15th पे चलते हैं। डू यू वॉन्ट टू डू अ गेस वर्क फॉर 15, जिसके लिए हमारे पास कोई हिंट नहीं है? 15th वाला है लॉक द, 15th वाला है वेकेंट स्पेस ऑफ अ यूनिट सेल। यार ये तो केमिस्ट्री में है, अभी अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ाया है। पायल शिंचू,
ऑल राइट, पायल छिंचू ने कुछ तो बोला है, मैं बताने नहीं वाली हूँ. बताइए बताइए, 15th वाला, वेकेंट स्पेस ऑफ अ यूनिट सेल, वेकेंट स्पेस ऑफ अ यूनिट सेल. अनुप्रिया ने बोला है, पायल ने बोला है, विनीत ने बोला है. ओके सारे, ओहो चैट भाग गई. वंशिका, गगन, आनंद, एवरीबडी इज सेइंग 15th पे होना चाहिए वॉइड, वी ओ आई डी. कौन से चैप्टर में आता है ये? वॉइड्स के बारे में पढ़ाया हुआ है मैंने आपको. अब 15th के बाद 16th पे चलते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये एरो मैंने लगाया है. इट स्टार्ट्स विद द अल्फाबेट एल, देन ओ, देन आर, और इसके बाद क्या हो सकता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है यार? ये तो फिजिक्स है, फिजिक्स तो तुम लोग को ज़्यादा आती है मुझसे, है ना? बताइए बताइए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या हो सकता है? हाँ वॉइड तो हमने कर दिया है, व्हाट कुड बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स? हर्ष खुराना, अभय, ध्रुव, गुड गुड गुड. ओके तो चलो मुझे स्पेलिंग भी बता दो, क्योंकि मैं तो फिजिक्स की हूँ नहीं. आ लो आ, एल ओ आर ई एन टी जेड, एल ओ आर ई एन टी एंड जेड. यार काफ़ी लग रहा है, फिट हो रहा है. बट लॉरेंस बोला, हीबा शरीन ने, हीबा शरीन ने सबसे पहले बोला है, उसके बाद अभय ने, ध्रुव ने, और थॉमस ने, हर्ष खुराना ने. ओके बहुत सारे बच्चों ने हमें बताया है 16th पे. 17th पे क्या हो सकता है यार? हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन, हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन, ये 17 ढूंढो ढूंढो ढूंढो, 17th कहाँ है यार? मुझे तो ये रहा, स्टार्ट्स विद एन, नोबल, टू गुड. यार बड़े स्मार्ट हो यार, इतनी स्मार्टनेस तुम केमिस्ट्री में ही दिखा दिया करो. एन ओ बी एल ई, वेरी गुड, टू गुड, नोबल. ओके 17th पे आ गए हैं. 18th, प्रिंसिपल बिहाइंड एरोप्लेन. यार ये क्या है, प्रिंसिपल बिहाइंड एरोप्लेन? 18th ठीक है, नोबल बोला है थॉमस ने, साक्षी ने बोला है बर्नौली. बर्नौली की क्या स्पेलिंग होती है? साक्षी ने सबसे पहले आंसर किया है बर्नौली. पायल छिंचू बोल रही है 18th इज बर्नौली. ओके ओके, अच्छा मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है तो चैट बॉक्स में यार एक बार हैप्पीनेस का मतलब बिल्कुल हैप्पीनेस बिखेर दो चैट बॉक्स में. तब तक मैं 18th को फिल करती हूँ और आप 19th के बारे में सोचिए. तो बी ई आर एन ओ यू डबल एल आई, लग तो रहा है यार बिल्कुल फिट हो रहा है. और 19th क्या है यार? 19th लॉक्ड द वर्ल्ड स्टार्टिंग विद सी. 19th लॉक द वर्ल्ड स्टार्टिंग विद सी, व्हाट इट कुड बी? यस तो साक्षी आंसर कर रही है. ओके कोरोना, कोरोना, इट्स कोविड. एंड यार हैव यू नोटिस वन थिंग, कोविड 19 एंड ये कहाँ है? 19 पे, कोविड 19. यार ट्रस्ट मी किड्स, आई हैव नॉट प्लान्ड दिस. जब मैं बना रही थी ना पजल तो मैंने ये प्लान नहीं किया था, बट देखो चीज़ें कैसे प्लान्ड होती है. मतलब कोविड 19 को 19 उसमें ही आना था, और यहाँ पे भी देखो 19th में सेट टू एंड. आई हैव जस्ट डिस्कवर्ड इट कि कोविड इज एट द पोजीशन 19. इजंट इट अमेजिंग? मस्त यार. उसके बाद देखिए 20th इज द लास्ट वन, रूल फॉर फिलिंग सब शेल्स. ओहो सारे बच्चे बता रहे हैं तो. ऑफ बो, ए यू एफ बी ए यू, ए यू एफ बी ए यू, टू गुड. तो अपन ने कर ली क्या अनलॉक इस पजल को? टू गुड मेरे बच्चों, टू गुड. हमें लग रहा है हमने पूरे पजल अनलॉक कर लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की एंड बायोलॉजी की. बहुत शानदार, बहुत शानदार. और काफ़ी बच्चे यहाँ पे, जमल, अरुण, सुरेश, नेहा, अनुप्रिया, विनीत, तनिष्का, सरांश, माही, सुरेश. यार आप नोटिस करो, मैंने कुछ कुछ अल्फाबेट्स को एनसर्कल किया है. ज़रा ना काम करो, इन अल्फाबेट्स को ऊपर से नीचे की तरफ एक कॉपी पेन पे लिख दो, ठीक है? और तुम चाहो तो ये काम मैं तुम्हारे लिए कर सकती हूँ. आप पहले क्या करेंगे, ऊपर से नीचे ई एम आई वी एल बी, ई एम आई वी एल बी. यार इसको भी अनलॉक करो, इससे कुछ बन रहा है क्या? ई एम आई वी एल बी, इट्स, आई थिंक इट्स टोटली रेलिवेंट टू अस. ई एम आई वी एल बी, आई थिंक इट्स टोटली रेलिवेंट टू अस. मनोज, यस इट इज, इट इज. आई वॉन्ट टू सी द चैट बॉक्स टू बी फिल्ड विद दिस. यस एम बी लाइव, देखिए
है कि नहीं मस्त? तब बताइए मजा आया कि नहीं आया? एमबी लाइव इट्स टोटली रेलेवेंट टू अस, यस। और मैं अपने हर सेशन में ये बोलती हूँ एमबी लाइव। तो ये जो वर्ड्स मैंने एनसर्कल किए थे, जो अल्फाबेट्स मैंने एनसर्कल किए थे, इससे बन गया एमबी लाइव, यानी मास्टर ब्लास्टर लाइव कैटलिस्ट। ऑल राइट, तो बहुत मजा आया इस पजल को अनलॉक करने में आप लोगों के साथ। मुझे फ्राइडे को इसी तरीके की अमेजिंग अमेजिंग सेशंस में आ जाया करो, बहुत मजे आते हैं, है ना? तो चलिए आगे चलते हैं। क्लास ट्वेल्थ की केमिस्ट्री लेती हूँ मैं डेली 2 बजे। कल आपकी क्या है? कल आपका मेगा मेंटी क्विज सेशन है, जरूर से जरूर आ जाना और प्रिपेयर करके आना। इस बार लीडर बोर्ड पे एकदम उठा पथल देखना चाहती हूँ कल मैं, ठीक है? तो हेलोल के हेलोरिन बहुत अच्छे से आप लोगों ने पढ़े हैं, तो कल जरूर से जरूर आइएगा। livedaily.me/chat पे आप अनअकैडमी के चैट ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, जहां आपको सारे नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहेंगे। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन यार बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए हर चीज़ ना वक्त के साथ अपडेट होती है, जैसे मोबाइल फोन्स, नोकिया 1100 से आईफोन तक पहुंच गए हम, ठीक है? अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो वक्त के साथ अपडेट होकर के अभी इतना ब्रिलियंटली वर्क कर रहा है। इट्स द मोस्ट अपडेटेड वर्जन ऑफ ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन लर्निंग ऑन, ठीक है? तो यहाँ क्यों मैं इसको ऐसा बोल रही हूँ, अभी COVID-19 का सिनेरियो चल रहा है। COVID-19 के टाइम पे सबके सब हो सकते हैं, काफ़ी जगह ऑफलाइन जो टीचर्स हैं वो भी ऑनलाइन पढ़ा रहे हो, बट दे कांट बी एज डेवलप एज अस। वी एट अन अकेडमी वी से लेट्स क्रैक इट एंड वी टीच स्टूडेंट्स हाउ टू क्रैक इट, है ना? वी एजुकेटर्स आर वर्किंग डे एंड नाइट इन टीचिंग द स्टूडेंट्स दैट हाउ टू क्रैक इट। वी आर टेकिंग लाइव क्लासेस, एडुकेटर्स इंटरेक्शन बहुत ज़बरदस्त होता है। लाइव पोल्स एंड लीडर पोल्स एक सुपर ऑसम ऑप्शन है, जहाँ हम पढ़ाते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं, फिर पढ़ाते हैं फिर सवाल पूछते हैं, तो आपकी एनर्जीज ही इतनी हाई रहता है। इट इज़ नोन एज लर्निंग विद फन। और फिर यार पता है पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, कोई टेस्ट लेने वाला ना हो तो फिर हम क्या करते हैं, रिविजन ही नहीं करते। तो यहाँ पे उसका भी पूरा ध्यान रखा जाता है, आपके टेस्ट सीरीज टाइम टाइम पे ऑर्गेनाइज की जाती है ताकि आप रिविजन्स करें, और होमवर्क दिया जाता है, असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, मल्टीपल एडुकेटर्स होते हैं, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, होमवर्क्स में से डाउट आ रहे हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होते हैं। तो यार इतना अपडेटेड ऑनलाइन टीचिंग है यहाँ पे कि मेरे ख्याल से तो आपको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लेना चाहिए, ठीक है? तो देखिए हम आपको करना क्या है। अब अच्छा एक और बात बता दूं, आप सारे बच्चे मेरे को जानते हैं, मैं हूं आपकी मोनिका बेदी मैम, मैं केमिस्ट्री पढ़ाती हूं अनअकैडमी पे। तो 17 अगस्त से हम लोग न्यू कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं, जहां पे ये देखो ये गोला है। काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि यार हम लेट हो गए। आप कुछ लेट नहीं हुए हो, हमने यहाँ से स्टार्ट की थी हमारी अनअकैडमी की, बस यहाँ से चली थी अनअकैडमी 11th 12th की। अब हम इस स्टॉप पे 17 अगस्त को रुकने वाले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ सवार हो जाएं, क्योंकि अभी हमने फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाई है, फिजिकल केमिस्ट्री। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक, और ऑर्गेनिक के बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं इनऑर्गेनिक, ठीक है? अब आप ये ना सोचें कि आपका मिस हो जाएगा, कुछ मिस नहीं हो रहा, आपने फिजिकल मिस नहीं करी, क्योंकि आप इस स्टॉप से बैठेंगे तो हम लोग आपको इसी स्टॉप पे वापस आके छोड़ेंगे, क्लियर? तो कुछ भी मिस नहीं हुआ है, अनअकैडमी कुछ मिस होने देगा ही नहीं। यहाँ पे एडुकेटर्स दे आर वर्किंग डे एंड नाइट कि आप स्कोर कर सकें, आप मार्क्स ला सकें। तो हमारा बस रुकने वाला है 17 अगस्त को, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आ जाइए, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल का पूरा राउंड करवाएंगे, सिमिलरली बाकी के एडुकेटर्स भी यही सब करवाएंगे। यस, तो मज़े आए कि नहीं आए हैं? सबको मज़े आए हैं? दीपेंद्र ओके, सबको बहुत बहुत मज़े आए हैं, ठीक है? चलिए चलिए, तो करना क्या है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, प्लस में जाना है, क्लास ट्वेल्थ को एनरोल करना है, क्लास ट्वेल्थ को सिलेक्ट करना है, और इसको सिलेक्ट करने के बाद सब्सक्रिप्शन पे जाना है। जब आप गेट सब्सक्रिप्शन के ऑप्शन पे जाते हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको कौन सा कोर्स एनरोल करना चाहिए, कौन सा बेसिकली सब्सक्रिप्शन का कौन सा ऑप्शन चूज़ करना चाहिए। आपको करना चाहिए 12 मंथ्स वाला ऑप्शन चूज़, जो कि कितने में है, 15,000 में है, 15,000, ठीक है? और इसको अगर आप एमबी लाइव रेफरल कोड लगाते हो, एमबी लाइव रेफरल कोड लगाते हो, तो ये 13,500 में आपको हो जाता है, 13,500 में, ठीक है? 12 मंथ्स का 13,500 में। हम वी एट अन अकेडमी वी ऑलवेज वॉन्ट कि हमारे स्टूडेंट्स तक हमारा जो नॉलेज है, बेस्ट कंटेंट है, एवरीथिंग गोज इन सच ए लेस प्राइजेस, सच ए लेस चार्जेस, सो दैट एकदम एकदम अफोर्डेबल, एकदम एकदम कॉस्ट फ्रेंडली, ताकि हर बच्चा अफोर्ड कर सके। हम लोग का यही मिशन है कि हर बच्चा क्वालिटी एजुकेशन अफोर्ड कर सके, है ना? नहीं कौशिका बेटा, नो इट्स नॉट टुमारो बेटा,
कोशिका नो इट्स नॉट टुमारो। 2 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन चार्जेस 25,000 है, जो कि एम बी लाइफ रेफरल कोड लगाने पे 22,500 का पड़ेगा, एंड 6 मंथ्स वाला 10,000 है, जो कि एम बी लाइफ रेफरल कोड लगाने पे 9,000 का पड़ेगा। लेकिन आपको लेना चाहिए 1 ईयर वाला, क्योंकि इसमें आप सारे एग्जाम्स वगैरह में हमारे साथ जुड़े रहेंगे, सारे एग्जाम्स आपके कवर हो जाएंगे, एंड दिस इज ऑल्सो मोस्ट कॉस्ट फ्रेंडली एंड कॉस्ट इफेक्टिव, है ना। तो मज़ा आया, सीताराम बागरे कह रहे हैं बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। मैम डोंट नेग्लेक्ट मी, बेटा मैं नेग्लेक्ट नहीं करती हूँ किसी को भी, है ना। सिंह, माय फर्स्ट नेम इज़ खुशी। नहीं, अरे वाह, अच्छा खुशी बहुत सारे आंसर्स दे रही है, बेटा सिर्फ सिंह लिखा हुआ है, मे बी आई डोंट नेग्लेक्ट एनी बडी बेटू, है ना। ओके साक्षी, येस आई लव यू टू, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, है ना। और अब कल मेगा मेंटी क्विज के लिए सब लोग तैयार है ना, एकदम पढ़ के आइएगा। सेशन को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि सारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते जाएं। और ये हमारे दूसरे चैनल्स हैं, जैसे कि अनअकैडमी नीट, अनअकैडमी जेई, स्कूल एट अनअकैडमी, अनअकैडमी 9th and 10th, और प्लस पे आ जाओ। 17 अगस्त से न्यू कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं, तो हमारे हम जो अनअकैडमी की बस है वो 17 अगस्त को रुकेगी, और सारे बच्चे उसमें बैठ जाओ, और आपको आपके सपने पूरे करने में हम पूरी 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 जान लगाएंगे, पूरा कोशिश करेंगे कि आप अपने सपनों को पूरा कर सकें, एकदम अच्छे मार्क्स ला सकें, बहुत अच्छे एग्जामिनेशन क्रैक कर सकें, है ना। वी एट अनअकैडमी सेज लेट्स क्रैक इट, एंड टुडे व्हाट वी हैव डन, वी हैव क्रैक द क्रॉसवर्ड। वेरी गुड बच्चों, चलो बाय बाय, गुड नाइट, See you, madam. Good night. It's awesome. The session was superb, super awesome. Bye-bye. Good night.